अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। फिल्मी अंदाज में योद्ध ने गढ़ी खुद के अपहरण की कहानी। पिता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज, मांगी 10 लाख रुपए रंगदारी। पुलिस ने मंसूबे को किया नाकाम, किया बरामद। जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र सराय काशी गांव निवासी चंदन सरोज सोमवार को बाइक लेकर जौनपुर निकला था। देर शाम तक वह वापस नहीं आया। रात में उसने अपने पिता के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, चंदन को सफल चाहते हो तो 10 लाख रुपए भेज दो। व्हाट्सएप पर मैसेज मिलते ही पिता के हाथ पांव फूल गए। पिता धर्मेंद्र मुगरा बादशाहपुर थाने पहुंचा, पूरी कहानी बताई, व्हाट्सएप पर मैसेज दिखाया। थानाध्यक्ष सदानंद राय ने पूरी कहानी सुनी और युवक को बरामद करने की योजना बना डाली। उन्होंने युवक के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया, उसका लोकेशन ट्रेस किया तो पता चला युवक का मोबाइल लोकेशन बांदा में है। लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस उस होटल तक पहुंच गई जिसमें युवक ठहरा हुआ था। पुलिस ने युवक को सकुशल बाइक समेत बरामद कर लिया, उसे थाने ले आई। पूछताछ किया तो पता चला कि युवक का अपहरण नहीं हुआ था, उसने खुद ही अपने अपहरण की झूठी कहानी रच डाली थी। 23 साल के युवक चंदन सरोज के दिमाग में यह खुराफात एक फिल्म को देखकर आया। उसे पैसे की जरूरत थी। फिल्म से प्रभावित होकर उसने उसी अंदाज में अपने अपहरण की कहानी रच डाली और पिता को मैसेज भेजकर रंगदारी मांग लिया। फिलहाल पुत्र पिता को इस तरह भी धोखा दे सकता है, यह सुनकर भी अटपटा लगता है। देश प्रदेश एवं जौनपुर जनपद की खबरें प्रमुखता से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।